today I am going to explain identifying the oxidizing agent and reducing agent in the following reactions. कोई भी reaction आपको जो given है उसके according आपको identify करना है oxidizing agents कौन है और reducing agent कौन है. किसी भी गिवन रिएक्शन में जो भी रिएक्शन आपको गिवन है उसमें आपको ये फाइंड करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच इज रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपको आइडेंटिफाई करना है. कल हमारी जो प्रीवियस वीडियोस जो हमने आपको सेंड किया था उसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर हमने फाइंड करना बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं. अब उसी के भी हब पे जो है आज हम ये चेक करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है. तो गाइस आप इधर देख सकते हैं ये एक इक्वेशन है MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2. ये एक रिएक्शन हमें गिवन है. तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा है, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले सभी एलिमेंट्स के ऊपर हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करते हैं. इट इज फर्स्ट स्टेप. ये फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले जो भी एलिमेंट हमको गिवन है उन सब के ऊपर उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या किया जाएगा, मेंशन किया जाएगा. और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं. अब इधर देखेंगे, देखिए MnO2 है और इसमें MnO2 में अगर आप Mn की ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, प्लस 4. कैसे निकालेंगे ये कल बता चुके हैं, आप रफली निकाल सकते हैं. MnO2 में Mn की ऑक्सीडेशन प्लस 4 होती है और ऑक्सीजन की क्या होती है, माइनस 2. तो ये हमने सबसे फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे मेंशन कर दिया. सेकंड है 4HCl दिया हुआ है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, प्लस 4 और Cl की क्या होती है, -1. तो देखिए इसके ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है गिव्स MnCl2. पहले Mn की ऑक्सीडेशन फाइंड करेंगे, MnCl2 में Mn की ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगी, +2. इसको x मान लिया ना जिसकी फाइंड करते हैं और Cl की -1 × 2 = 0. तो Mn की क्या हो जाएगी, +2 और Cl की ऑक्सीडेशन क्या होती है, -1. फिर आता है Cl2 जो होता है वो सिंगल एलिमेंट है. सिंगल एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है आपको पहले ही बता चुके हैं, जो एलिमेंट्स सिंगल लिखे जाते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है. तो Cl2 की ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिख दिया हमने, 0. और H2O है, H2O में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और ऑक्सीजन की -2. तो इस तरीके से हमने सबसे पहले जो इक्वेशन हमको गिवन थी उसके ऊपर हमने ऑक्सीडेशन नंबर को मेंशन किया है. अब देखते हैं कि कौन कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, तो उनको हमने डिस्टर्ब नहीं करना है जो सेम ऑक्सीडेशन है. जैसे -2 है ऑक्सीजन की और इधर भी -2 है तो ये तो ठीक है. हाइड्रोजन की +1 है, यहां भी +1 है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, इनको हमने नहीं छेड़ना है. जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुई है उनको हमने देखना है. अब आप सबसे पहले ये देखेंगे यहां Mn की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4 है, Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +4 है और हियर Mn की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2. तो +4 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है Mn की, इट्स मीन इनकी ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. +4 से क्या होगी, +2 हो गई Mn की, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है. इधर आप देखते हैं O2 तो बैलेंस ही है, इधर भी -2 है, इधर भी -2 है, H की भी बैलेंस है, +1 है, इधर भी +1 है. अब Cl पे आ जाते हैं. अब यहां पर जो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, -1 है. ठीक, तो -1 इस पे तो नहीं देखना, तो इस पे देखेंगे कि -1 से ये ऑक्सीडेशन नंबर यहां क्या हो रही है, 0. -1 से 0 हो रहा है, इट्स मीन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. -1 से 0 हुआ है ना, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, माइनस छोटा होगा और 0 बड़ा है. ठीक, तो यहां पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इधर बढ़ रहा है और इधर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है. ठीक, तो आप ये कह सकते हैं कि जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर, देखिए Mn डिक्रीज
ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम +4 to +2, ये मैंने लिखा है Mn अपने ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज कर रहा है +4 से +2। और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होती है तो इट्स मीन वो किसकी तरह एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आपने आइडेंटिफाई करना है जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। देखिए +4 से +2, इट्स मीन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। दूसरा Cl एटम इन HCl, HCl में जो Cl एटम है वो -1 से 0 हो रही है, तो इट्स मीन Cl एटम इन HCl इंक्रीजेस, तो -1 से वो क्या हो रही है, 0 हो रही है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो इट्स मीन यहां पे क्या है कि HCl जो है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये एक सिंपल आइडेंटिफिकेशन है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करने का अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम बहुत बेहतर तरीके से ये समझ सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो यही है, एग्जाम्पल नंबर 2, H2S+Br2 गिव्स 2HBr+S। ये एक इक्वेशन है, H2S में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है और जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है। तो वो आपने जैसे मेरे कल के वीडियोस में आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सिखाया था कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको फाइंड करना है उसको एक्स आप मानेंगे, तो H2S में H की +1, सल्फर की -2, Br2 आ गया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में, जब भी कोई एलिमेंट एलिमेंटल फॉर्म में है, सिंगल फॉर्म में है, अकेला लिखा जा रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। तो Br2 के ऊपर हमने इसीलिए क्या लिखा है, 0, सिंगल एलिमेंटल है वो ऑक्सीडेशन नंबर 0 शो करता है। फिर HBr है, H की +1, Br एक हैलोजन कंपाउंड है और हैलोजन कंपाउंड HBr के साथ है तो इसकी -1 शो करेगा, ठीक, वो ध्यान रखिएगा, यहाँ Br H के साथ है, कंबाइंड वे में है, यहाँ सिंगल एलिमेंटल है इसलिए 0 है। प्लस S, S भी सिंगल एलिमेंट फॉर्म में है और सिंगल एलिमेंट फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही शो होता है, ठीक, याद रखिए सिंगल एलिमेंटल के लिए ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अब आप देखते हैं, अब इधर देखिए H की तो +1 है, H की +1 है इन एन एचेन, इधर आप देख सकते हैं सल्फर भी -2 है, ठीक, ये -2 से इधर सल्फर कितना हो रहा है, 0, -2 से 0 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, माइनस से प्लस में जा रही है ना, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, -2 से 0 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है। इसी तरीके से फिर हम Br2 में देखते हैं, Br2 में क्या है, 0 है, 0 से क्या हो रहा है, -1, इट्स मीन 0 से -1 हो रही है, यानी प्लस से माइनस में आ रही है, तो इट्स मीन ये क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, एक इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो अभी हमने जो प्रीवियस में बताया था आपको, फिर यहां पर लिख रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब यही है, अ सब्सटेंस व्हिच अंडरगोस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर कोई इक्वेशन आपको दिया है और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो सबसे पहले उसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर देखना है कि वो डिक्रीज हो रहे हैं या इंक्रीज हो रहे हैं, और उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है अगर डिक्री ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह एक्ट करेगा, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह एक्ट करेगा।